World Health Day and the NDTV Dettol Banega Swasth India campaign is commemorating the day with all-day coverage of matters related to health and hygiene in India. This year's theme for World Health Day is Health for All, and that is very much in keeping with India's G20 health priorities. And who better to tell us about them than Union Health Minister Mansukh Mandavia. Namaste. सर, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ. हमारे पास भारत की अध्यक्षता है G20 में इस बार, इसलिए मैं इस सवाल से शुरू करना चाहती हूँ कि अध्यक्षता में जब हेल्थ की बात आती है, बिकॉज यू नो वी आर द फोरफ्रंट ऑफ G20 इन दिस ईयर, हेल्थ की बात आती है तो भारत हेल्थ में किस एस्पेक्ट पर, किस सेक्टर पर फोकस कर रहा है? सबसे पहले तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि G20 की अध्यक्षता इंडिया कर रहा है. ऐसे समय में कर रहा है जिस समय में देश की इकोनॉमी इमर्जिंग हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो और कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए इंडिया की दुनिया में सराहना हो रही है जी. और कोविड क्राइसिस से सफलतापूर्वक बाहर निकलने वाली कंट्री को है तो उसका नाम हिंदुस्तान है. और जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं तब हमारा गोल हमेशा हेल्थ इंडिया के लिए कभी कॉमर्स नहीं रहा है. हेल्थ इंडिया के लिए सेवा है जी. और सेवा भाव से हमने तीन गोल रखा है और तीन विषय जो हमारे G20 की प्रायोरिटी है जी. एक है डिजिटल हेल्थ, दूसरा है फार्मा काउंटर मेजर्स, और तीसरा है इमरजेंसी प्रिपेडनेस. जो ऐसी कोई इमरजेंसी आए तो दुनिया को एक साथ में मिलकर क्या तैयारी करनी चाहिए, प्रिवेंटिव क्या एक्शन लेना चाहिए जी. ये तीन गोल पर हम काम कर रहे हैं. और जब हमने फर्स्ट ड्राफ्ट जब फर्स्ट मीटिंग में सभी के सामने शेयर किया तो सब लोगों ने तीन विषयों पर बहुत सराहना की, क्योंकि बदलते समय में एक्सेसिबल और एफोर्डेबल हेल्थ केयर हम कैसे करें. आज दुनिया में सबसे सस्ता और दुनिया की रिक्वायरमेंट का 65% वैक्सीन इंडिया प्रोवाइड करता है. कोविड क्राइसिस में भी देखा $15-20 पर वन डोज था, इंडिया ने $2-3 में एक डोज दिया जी. तो हम दुनिया को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड करें, इट्स नॉट ओनली फॉर अवर कंट्री बट दुनिया को हम कैसे मदद करें. So प्रधानमंत्री जी का सपना. दूसरा डिजिटल हेल्थ हमने करके दिखाया. जब कोविड क्राइसिस चल रहा था, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या हम उसको उसका डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रख सकते जी. और उसमें कोविन निकला जी. उसमें आरोग्य सेतु निकला जी. और कोविन में आपने देखा होगा इंडिया एक एकलौता कंट्री था जी. जिसके पास डिजिटल वैक्सीनेशन रिकॉर्ड हो जी. और उसका फायदा ये हुआ, जब लॉकडाउन चल रहा था दुनिया में भी था यहाँ भी था, कई कंट्री ने रिस्ट्रिक्शन भी लगाए थे जी. तो इंडिया के सिटीजन दुनिया में जाते थे तो मोबाइल निकालते थे और मोबाइल में अपने कोविन ऐप को ओपन करके वो वैक्सीनेटेड है ऐसा सर्टिफिकेट उसको जी. दिखाते थे जी. और डेवलप्ड कंट्री से भी इंडिया में आने वाले लोग हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट लेके आते थे. डिजिटल हेल्थ सेक्टर में हम इंडिया में डिजिटल हेल्थ को कैसे आगे बढ़ाए और दुनिया के साथ हम डिजिटल हेल्थ में कैसे सहयोग करें. फॉर एग्जांपल, इंडिया ने डिजिटल हेल्थ में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म डेवलप किया है और इंडिया आज पर डे 3-4 लाख टेली कंसल्टेशन करता है. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हम टेली कंसल्टेशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़ जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सर्जन और एक्सपर्ट डॉक्टर की ओपिनियन उसको अपने गांव में मिल जाती है. डिजिटल हेल्थ सेक्टर में हम हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो जी. दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं ओके. दुनिया को मदद भी करना चाहते हैं. हमारे पास जो रिसर्च, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के साथ शेयर हो और दुनिया में जो नया रिसर्च हुआ हो वो भी यूनिवर्सल हो. मिनिस्टर सर, आपने यूनिवर्सल हेल्थ की बहुत बातें करी हैं, प्रधानमंत्री भी इसके बारे में बात करते हैं, मिशन के जैसे भारत उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम यूनिवर्सल हेल्थ को हासिल करने के लिए हम उससे कितनी दूर या कितने करीब हैं उस गोल से. मैं ऐसा मानता हूँ कि हेल्थ
एक्सेसिबल होना चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होना चाहिए जी। और प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ को पहली बार डेवलपमेंट के साथ जोड़ा, क्योंकि देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। हम अमृत काल में प्रण लिया है देश ने कि जब हम देश का शताब्दी वर्ष मनाए आजादी का, तब हमें डेवलप्ड कंट्री होना है। इसलिए हेल्थ एक्सेसिबल कैसे हो, हेल्थ अफोर्डेबल कैसे हो, गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ भी हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए। कोई गरीब के यहाँ बिना दवाई नहीं मिलने से मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। और इसलिए एक होलिस्टिक व्यू से हमने, होलिस्टिक अप्रोच से काम करना चालू किया जी। आपने देखा होगा आज देश में 9000 से अधिक जनऔषधि केंद्र है, वो गवर्नमेंट चलाती है, एकदम सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। आज डेली 20 लाख लोग, एवरेज 20 लाख लोग जनऔषधि केंद्र पर जाते हैं हर रोज, और वहां से मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि सस्ती भी है अच्छी भी है। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना के तहत आपने देखा होगा कि आज हमने 12 करोड़ फैमिली, यानी कि 60 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना का कवरेज ऑलरेडी दे दिया जी। उसके अलावा कई स्टेट में अपने स्टेट को यूनिवर्सल हेल्थ फैसिलिटी दी है, ऐसा 5 स्टेट है। तो 60 करोड़ ये हो गया, 5 स्टेट का पॉपुलेशन है तो उसका भी 8-10 करोड़ का पॉपुलेशन हो गया होगा। और जो कई राज्य, कई लोग ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जी, उसको इंश्योरेंस कवरेज है ही जी। हमारे जो लेबर है जी, वो जो एसिक के लाभार्थी है उसको भी कवरेज मिल जाता है, उसको अपनी एसिक की हॉस्पिटल में कवरेज मिलता है। तो कुल मिला के मैं मानता हूं कि मोटा मोटा 70-80 करोड़ पॉपुलेशन तक हेल्थ एक्सेसिबल हो गया है। बाकी एक क्लास है वो खर्च कर सकते हैं, और बाकी जो मिडिल क्लास है, मिसिंग मिडिल क्लास हम उसको कहते हैं, उसके लिए भी हम कोई ना कोई योजना से उसको भी लाभ पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि देश यूनिवर्सल हेल्थ केयर की ओर बहुत आगे बढ़ गया है।